वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम तिसौरी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने आधा किलो तीसी लिया है, इसे हम धोएंगे अभी। ये मैंने एक किलो दाल, ये मसूर की दाल है, इसे मैंने रात भर भिगो लिया था, इसे अच्छी तरह मैंने धो लिया है। दोस्तों आइए हम तीसी को भी धो लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से धो लें। आज इसका भी हम लोग बरी पारने वाले हैं। इसमें मट्टी बहुत ज़्यादा रहती है, इसे अच्छी तरह से आपको धोना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीसी भी धो ली है। इस तरह देखिए ये जेली जैसी हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल को सबसे पहले हम लोग पीस लेंगे मिक्सी में। इसे भी हमें बिना पानी के ही पीसना है दोस्तों। आइए इसे सबसे पहले पीस लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आप इतना इस तरह आप पीस के और ये तीसी में ही इसे डालते जाएं। इस तरह हम सारे दाल को पीस लेंगे और आपको लगे हल्का पानी डालकर भी आप पीस सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे दाल पीस लिए हैं। मैं इसमें कुछ मसाले भी ऐड करूंगी। ये देखिए मैंने कुछ मसाले लिए हैं, 6 से 7 मैंने लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और गोलकी लिया है। ये छोटी सी अदरक, इसे मैं पीस लूंगी दोस्तों। इसमें मैं ऐड करूंगी इसे। ये देखिए दोस्तों, मैंने मसाला पीस लिया है। मैंने दाल के ही पानी में इसे पीस लिया था। अब मैं इसको भी इसमें ऐड करूंगी दोस्तों। इसे हम मिक्स कर, ये देखिए दोस्तों, इसमें हम नमक और हल्दी भी ऐड कर रहे हैं। मैं नमक भी डाल रही हूँ दोस्तों, स्वाद अनुसार इसमें आप नमक डालें। इसे भी हम वही सेम प्रोसेस से इसे अच्छी तरह फेटेंगे दोस्तों। नहीं उतला ही तो ठीक हुआ। इसे नीचे से अच्छी तरह से फेट ले दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये फेट चुका है। इसे भी हम पानी में डालकर देखेंगे कि ये अच्छी तरह से फिटाया है कि नहीं। ज़्यादा पानी डाला। ये देखिए ये किस तरह से उतला रहा है, यानी कि हमारा दाल अच्छी तरह से फिट चुका है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरह दाल को हमें पारना है। इस तरह सारा दाल आप इसी तरह छोटे छोटे बरी पाट लें। ये तिसौरी हम इसी तरह स्नैक्स के रूप में खाते हैं। खाली तेल में भूंज के, तेल में भूंजा जाता है, कुछ नहीं डालता है। इस तरह आप इसे पारे, सूखने के बाद इसे तेल में फ्राई करके चावल पे खिचड़ी पर इसे खाया जाता है। ये बिहारी ये रेसिपी है दोस्तों, ये इसी तरह बनाई जाती है। कैसी लगी ये तिसौरी ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।